विगत 2 साल से जारी भिकनगांव बिजलवाड़ा लिफ्ट इरीगेशन परियोजना का कार्य शुरू से ही विवादों में रहा है और काम की लेट लतीफी के चलते धीरे धीरे किसान भी परेशान होने लगे हैं। ग्राम नलवा के पास बावड़िया में निर्माणाधीन 2 नंबर पंप के आगे नलवा के 7 किसानों ने कंपनी द्वारा मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया है और मीडिया के समक्ष बताया कि शीघ्र ही उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तो विभाग के ऑफिस के सामने आंदोलन किया जाएगा। ग्राम नलवा किसान ने बताया कि परियोजना में काम के अंतर्गत मार्च में हमारे खेतों में पाइपलाइन बिछाई गई थी। इस दौरान कंपनी ने हमें मुआवजा देने का बोला था लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही कंपनी या विभाग का कोई जवाबदार अधिकारी हमसे मिलने के लिए आया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है किसानों की समस्या यहाँ पे 2 नंबर पंप हाउस पे, क्या समस्या और क्या इसका निराकरण होगा? समस्या ये है कि किसानों को यहाँ पर जो बिंजरवाड़ा उद्वहन परियोजना चालू हुई थी इसमें किसानों को जो काम पाइपलाइन का चालू हुआ था इसमें उन्होंने बोला था कि हम आपको 15 दिन के अंदर काम करके देंगे, इसमें पाइपलाइन आपकी पूरी हो जाएगी और ज़मीन भी पूरी बराबर लेवल करके देंगे। इसमें जब स्टार्ट काम किया तो किसानों ने उनको रोक लगाई कि हमको या तो पैसा, फसल का पैसा दिलवा दो या तो मुआवजा बता दो कितना दोगे। तो उन्होंने मुआवजा भी पूरा नहीं बताया कि कितना देंगे हम मुआवजा, बोले शासन के हिसाब से जो योजना में मिलेगा वो मिलेगा लेकिन आपकी जो फसल इसमें जो आपका नुकसान हो रही है इसका पैसा आपको हम देंगे। तो इसमें देवेश सिंह पिता शुक्लाल को किसान को जो 20,000 रुपये इन्होंने दिए थे स्टार्ट में लेकिन वो 20,000 तो उनके ऐसे ही भी मतलब खर्चे हो गए दूसरे काम में। अभी जो स्थिति है फिलहाल यहाँ से 2 महीने से काम बंद है परियोजना का और बाकी किसान भी सभी परेशान हैं। इसमें उन्होंने कोई सा भी मुआवजा अभी दिया नहीं है, ना शासन तरफ से मिला है ना कंपनी तरफ से मिला है। कितने किसान होंगे ये? यहाँ पर करीब 7 से 8 किसान है। कितनी भूमि प्रभावित होगी इसमें? इसमें करीब 25 से 30 एकड़ भूमि प्रभावित हुई है। किसान क्या चाहते हैं? किसान चाहते हैं कि जो उनकी फसल नुकसान हुई है, जो एक फसल पहले गई चने की और अभी दूसरी फसल कपास और मिर्ची की गई है, इसका मुआवजा मिले। जिसमें एक किसान जो देवेश सिंह पिता को शुक्लाल है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनके पास ना तो दूसरी ज़मीन है, वो एक ही ज़मीन पर उनका परिवार निर्भर करता है। उनको मुआवजा नहीं मिला तो किसान क्या करेंगे? किसान या तो धरना देंगे या तो वो आत्महत्या करेंगे। इनको बोला कि मेरा समय निकल रहा है, समय निकलने के बाद मैं क्या पाऊंगा इसमें, या तो मेरे को मेरे जमीन क्लियर करके दो नहीं तो फिर मेरे को मुआवजा दे दो। कितने दिन पुरानी बात है ये? 30,000 बोला था। नहीं कितने दिन पुरानी बात है ये? कम से कम 2 महीने पहले की। अभी फिलहाल में क्या हो रहा है? अभी फिलहाल में कुछ नहीं हो रहा है। कंपनी वाले आए कि नहीं? कंपनी वाले आते हैं, 20,000 रुपए मुआवजा बताते हैं, तो 20,000 रुपए मैं कहाँ से लूंगा? मेरे को तो 2 लाख की फसल आती है, मैं 20,000 में कैसा संतुष्ट हो सकता हूँ? वो यहाँ क्या उपयोग करेंगे खेत में? कुछ नहीं करते वो। नहीं जमीन जैसे आपकी लेंगे, हाँ क्या उपयोग करेंगे इसका? ये क्या पानी ले जाएंगे और क्या करेंगे? नहर वो पाइपलाइन डाली हुई है। डली हुई है। उस समय मुआवजा मिला था? नहीं कुछ नहीं मिला। मुआवजा आज तक मिला? आज तक कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। कितनी फसलें अपना, कितनी फसलों का नुकसान हुआ अपना? ये इसमें ये मान के चलो कि मेरा पूरा खेत मिर्ची का था। हाँ। पूरा 2.5 एकड़। 2.5 हेक्टर तो कितने का नुकसान हुआ? ये मेरे को 2.5 लाख का नुकसान हुआ। 2.5 लाख का नुकसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।